नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं परेश मिश्रा। आज मैं इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि ऐसे पांच प्लगइन के बारे में बताने वाला हूँ जो आप इंस्टॉल करोगे तो आपकी वेबसाइट की स्पीड डेफिनेटली बढ़ेगी। और यदि आप ब्लॉगर है तो ये पांच जो वर्डप्रेस का जो प्लगइन मैं बताने जा रहा हूँ वो आपको इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। और आपने आप में से बहुत सारे लोग ये यूज़ भी करते होंगे। यदि आपको पता ना हो तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि पांच वर्डप्रेस प्लगइन के बारे में बताने वाला हूँ। और ये वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है क्योंकि इसमें मैं प्रैक्टिकली आपको अपनी वेबसाइट की स्पीड चेक करा के बताऊँगा, वर्डप्रेस के पांच प्लगइन इंस्टॉल करके बताऊँगा और इंस्टॉल करने के बाद आपको मेरी वेबसाइट की स्पीड भी चेक करा के बताऊँगा, ठीक है। तो चलते हैं फटाफट अपने डैशबोर्ड की तरफ। एक रिक्वेस्ट और करूँगा, यदि आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल में आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही प्रैक्टिकली वीडियो बनाते रहता हूँ जो आपके लिए काफ़ी अच्छी हो सकती है। वीडियो लास्ट तक देखिए, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा क्योंकि पाँच वर्डप्रेस की जो मैं प्लगइन इंस्टॉल करके और इसके बाद जो अपनी वेबसाइट की स्पीड चेक करा के बताने वाला हूँ। और ज़्यादातर मैं इसमें कुछ कुछ प्लगइन ऐसी है जिसमें आपको मतलब सेटिंग करना पड़ता है, और वो सेटिंग आप ढंग से नहीं करोगे तो शायद आपकी स्पीड नहीं बढ़ पाएगी, ठीक है। तो मैं ये पांच प्लगइन फटाफट आपको बता देता हूँ। सबसे पहले चलते हैं अपनी वर्डप्रेस के डैशबोर्ड की तरफ। लेकिन सबसे पहले मैं अपनी एक वेबसाइट जिसका मैंने ऑलरेडी पाँच प्लगइन इंस्टॉल कर दिया है और वो वेबसाइट है imdnaukri.com, एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। मेरी वेबसाइट कैसी दिखती है क्या, ये जॉब्स के रिलेटेड वेबसाइट है, ठीक है। और ये मेरी जॉब्स के रिलेटेड वेबसाइट है और इसमें गूगल एडसेंस का भी अप्रूवल है, ठीक है। तो आप ज़रूर इस वेबसाइट में जाकर चेक कीजिए मेरी स्पीड कितनी है क्या है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसमें पाँचों प्लगइन इंस्टॉल कर लिया है। डैशबोर्ड में बता देता हूँ आपको, ये देख सकते हो आप, A3 लेजी लोड, ऑटो ऑप्टिमाइज, EWWW इमेज ऑप्टिमाइजर, चौथी है WP डिसेबल और पांचवी है WP फास्ट ट्रैक। ये पांच प्लगइन आपको इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के बाद आप ज़रूर चेक कीजिए कि आपका GT मैट्रिक्स स्कोर कितना है, ठीक है। मेरा GT मैट्रिक्स का स्कोर B में आता है, मतलब बहुत अच्छा है। AB में यदि आपकी वेबसाइट का स्कोर आता है मतलब आपकी वेबसाइट काफ़ी अच्छी और फास्ट है, और गूगल भी उनको मान्यता देता है कि जिनकी वेबसाइट की स्पीड काफ़ी अच्छी होती है उनका रैंक भी अच्छा खासा रहता है वेबसाइट का रैंक, ठीक है। तो मैं आपको अपनी एक दूसरी वेबसाइट है जिसमें मैं ये प्लगइन इंस्टॉल करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं उस वेबसाइट की स्पीड GT मैट्रिक्स में डाल के बता देता हूँ कि अभी कितनी आ रही है और इंस्टॉल करने के बाद कितनी आएगी, ठीक है। तो ये मेरी वेबसाइट है healthandtips.com। इसका GT मैट्रिक्स का स्कोर मैं आपके सामने अभी स्कैन करके बता देता हूँ कितना इसका मतलब स्कोर आ रहा है। उसके बाद मैं प्लगइन इंस्टॉल करूँगा। पांचों प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद एक बार फिर से GT मैट्रिक्स का स्कोर चेक करेंगे और आपके सामने रिजल्ट होगा। मैं हमेशा प्रैक्टिकली वीडियो बनाते रहता हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ सके। मेरा थोड़ा सर्दी जुकाम जैसा है इसलिए शायद वॉइस में प्रॉब्लम आती होगी, लेकिन यदि आपको सही में कुछ मतलब अपनी वेबसाइट के लिए स्पीड आपकी वेबसाइट की स्पीड कम है तो ये वीडियो आपके लिए, ठीक है। तो अभी आपके सामने मेरा रिजल्ट है www.healthandtips.com। ये मेरी वेबसाइट है और इसके पहले मैंने ये एक दूसरी वेबसाइट बताया था जो जॉब्स के रिलेटेड, उसका स्कोर आपके सामने था B80-85 ऐसा कुछ था, ठीक है। अभी इसका स्कोर F में आ रहा है, मतलब ये काफ़ी स्लो वेबसाइट है, ठीक है। अभी इस वेबसाइट में मैं पांचों प्लगइन इंस्टॉल करके और आपको GT मैट्रिक्स का स्कोर आपके सामने ला कर आऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको डब्ल्यू
सी लिखना है। नया प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले डब्ल्यू पी लिखते ही डब्ल्यू पी फास्ट क्या है चाहिए ये इंस्टॉल करना है आपको। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है लेकिन आपके लिए कोई जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है, आप आगे बढ़ा के भी देख सकते हो वीडियो को, ठीक है। तो ये एक्टिवेट कर देता हूँ मैं पहले, ये एक्टिवेट हो चुका है। अभी जस्ट इसके सेटिंग में जाना है आपको, सेटिंग में जाकर आपको जस्ट ये सब कुछ क्लिक कर देना है, ठीक है। कि जितने भी दिख रहे हैं आपको टिक मार सब कुछ टिक कर देना है। और CDNN में जाकर आपको, यदि आपकी वेबसाइट क्लाउडफ्लेयर से कनेक्टेड हो तो CDN में क्लिक करके क्लाउडफ्लेयर का ईमेल आईडी प्लस इसकी API की आपको जरूर डालना है, ठीक है। और नेक्स्ट करके आपको फिनिश कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया, अभी इसको डिलीट कैच ऑल क्लियर और कैच कर देना है, ठीक है। ये हो गया क्लियर। एक बार नीचे वाला जो डिलीट ऑल मैनिफाइड CSS ये भी कर देना है। उसके बाद आपको सेकेंड प्लगइन इंस्टॉल करना है, सेकेंड प्लगइन का नाम है EWWW ऐसे करके एंटर करना है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छा प्लगइन है EWWW इमेज ऑप्टिमाइजेशन, ये इंस्टॉल कर देना है। वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है लेकिन ये काफ़ी अच्छी होगी आपके लिए। यदि आप सही में सीरियस हो अपनी वेबसाइट की स्पीड को लेकर तो मेरा ये वीडियो देखते रहिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाते रहता हूँ। एक्टिवेट करने के बाद आपको इसकी सेटिंग में जाना है। जैसे ही आप देख सकते हो कि ये एक्टिवेट हो चुका है, इसकी सेटिंग में जाना है आपको। तो ये ऑटोमेटिकली जो भी इमेज आप डालोगे 500 फ्री इमेज को ये ट्रैक कर देता है, मतलब ये ऑप्टिमाइज कर देता है फ्री में। हर महीने इसमें 100-100 इमेज का क्वाटा मिलता है फ्री में, और मैं जब तक पता है कि 100 इमेज एनफ होता है जो फ्री ट्रायल के लिए, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, इसके आपको ऑप्टिमाइज करना है। तो मीडिया में जाकर बल्क ऑप्टिमाइज में क्लिक करना है, स्कैन फॉर कर देना है। यहाँ पे देखा हुआ है 113 इमेज आपकी स्कैन होगी और ये ऑप्टिमाइज होगी। ऑप्टिमाइज 611 है और 500 का आपको ऑप्टिमाइजेशन का मिला हुआ है, मतलब 500 इमेज ये करेगा और उसके बाद ये रुक जाएगा, ठीक है। तो ऑप्टिमाइजेशन होने देते हैं, ऐसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता लेकिन शायद लग सकता है। तो मैं ऑप्टिमाइजेशन बाद में करूँगा, जब तक मैं दूसरा एक प्लगइन नेक्स्ट प्लगइन के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट प्लगइन आपका होगा A3 करके आपको जस्ट A3 लिखना है, ये क्या करता है, ये प्लगइन करता है कि जब भी आपकी इमेज यूजर को डिस्प्ले होती है तभी इमेज लोड होती है, मतलब ये काफी अच्छा प्लगइन है। इससे क्या होता है कि आपकी पोस्टिंग में ज्यादा लोड नहीं पड़ता और वेब पेज जल्दी ओपन होता है। थोड़ा सर्दी
जुकाम जैसा है इसलिए मैं शायद अच्छी तरह बोल नहीं पा रहा हूँ। लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूल। आप लास्ट तक देखिएगा, मैं अपनी वेबसाइट की स्पीड चेक करा के बताने वाला हूँ। जो मैंने अभी स्कोर बताया था एफ में है, वो ए या बी में आ चुकी होगी, आ जाएगी जब तक कम्प्लीट नहीं। अभी ये इसके सेटिंग में जाना है A3 लेजी मोड के। यदि आपने ऑलरेडी सेटिंग किया हो तो रीसेट कर दीजिएगा एंड सेव चेंजेस करते हैं। कुछ भी नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक जो भी सेटिंग दी है सब कुछ करेक्ट है। ठीक है, सेव होगी। फिर नेक्स्ट प्लगइन में बता देता हूँ आपको। नेक्स्ट प्लगइन होगा आपका WP डिसेबल। ये प्लगइन क्या करता है, ये प्लगइन ये करता है कि जब भी यूजर HTTP रिक्वेस्ट को HTTPS में कन्वर्ट करता है, मतलब ज़्यादातर ऐसे मतलब यूज़र HTTP से HTTPS में करते थे तो उसको डिसेबल। ये काफ़ी अच्छा प्लगइन है, तो सिक्योर भी होता है और सिक्योरिटी के लिए भी माना जाता है और ये काफ़ी अच्छा होता है। इसमें मैं डिटेल में बताता हूँ भी, एक्टिवेट होना देखते हैं। इसके सेटिंग में जाना है आपको। सेटिंग आपको ओपन सेटिंग में मिलेगी। इसमें आपको सेटिंग करना है, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वही कीजिएगा। डिसेबल इमोजी जो होता है उसको डिसेबल कर देता है ये, और डिसेबल गूगल मैप को डिसेबल करना है। रिमो जेक्वेरी माइग्रेशन को करना है और डिसेबल रेफरल स्पैम करना है, मतलब जो भी रेफरल जो लिंक बनती है वो स्पैम हो तो उसको डिसेबल कर देना। और उसके बाद आपको लास्ट के दोनों कर देना है, ये नहीं करना है आपको, ये दोनों कर, जस्ट सेव कर देना है। नेक्स्ट आपको टैग में जाना है। टैग में जाकर लास्ट के जो चारों है उसको ऑन कर देना है, सर्च इंजन कर देना। तो ये हुई पांचों प्लगइन के बारे में मैंने बताया आपको। जस्ट क्लियर और कैच कर देना है, यूनिफाई JSS क्लियर कर देना है और फिर आपको GT मैट्रिक स्क्वायर में जाके अभी देख लीजिए आप F29 और 94 है। अभी मैं रीस्कैन रीटेस्ट करता हूँ। आपके सामने मेरी वेबसाइट का स्कैन हो रहा है, आप भी जरूर कीजिएगा। मेरी वेबसाइट पे स्कैन करके देख लीजिएगा कितनी क्या स्पीड है। एफ से डी में आया हुआ है, ये अभी मतलब ऑन गोइंग प्रोसेस चल रही है इसलिए डी में आया, नहीं तो ए या बी में आ सकता है। अभी हमने क्या किया था कि इसको बल्क ऑप्टिमाइज नहीं किए थे इमेज को, शायद इस वजह से हो सकता है। एक बार इसे बल्क ऑप्टिमाइजेशन में रख देते, 590 इमेज जो है ऑप्टिमाइज हो जाने के बाद आपकी स्पीड ए या बी में आ जाएगी। तो अभी बल्क ऑप्टिमाइजेशन के लिए आपको काफ़ी वेट करना पड़ सकता है, लेकिन आप देख सकते हो ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद मेरी वेबसाइट में, वेबसाइट को आप GT मैट्रिक्स में डालकर जरूर चेक कीजिएगा। क्योंकि अभी मैं इसको ऑप्टिमाइज करने रख दिया है, लेकिन शायद हो सकता है 10-15 मिनट भी लग सकता है। यदि आप वेट कर रहे हैं तो ठीक है, उसके बाद एक बार फिर से मैं आपको अपना रिजल्ट बताऊंगा। क्योंकि मैं वीडियो को पॉज नहीं कर पा रहा हूँ, तो पॉज कर देता तो काफ़ी अच्छा रहता है, लेकिन इसमें पॉजिंग का कोई ऑप्शन दिया नहीं है। ठीक है, तो अभी होने देते, 30 तो हो ही गई है, शायद जल्दी जल्दी हो रहा है।
तक एक बार फिर से रीस्कैन करके मैं देख लेता हूँ। शायद स्पीड में फर्क पड़ेगा। ये देखिए, ये बी में आ चुका है, मतलब आपकी वेबसाइट की स्पीड बढ़ गई। अभी तो इमेज का जो कोटा है वो बाकी से, आपकी स्पीड बी पे आ चुकी है। ये रियल टाइम मैंने चेक करके आपको दिखाया, कोई डाउट हो तो आप भी चेक कीजिएगा। healthontips.com ये मेरी वेबसाइट है, आप ज़रूर विजिट कीजिए एक बार। ये देखिए स्पीड भी आप देख सकते हो क्लिक करके कितनी क्या स्पीड है। और इसमें भी गूगल एडसेंस का ऐड आ रहा है, मतलब यदि गूगल एडसेंस का ऐड के साथ आपका स्कोर बी या ए में है तो काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि गूगल एडसेंस का ऐड भी काफ़ी स्पीड को स्लो करता है, लेकिन मेरी स्पीड काफ़ी अच्छी है। तो आप भी ज़रूर मेरी वेबसाइट में जाइएगा, हेल्थ के रिलेटेड इसमें मैं पोस्ट डालते रहता हूँ और ब्लॉगिंग के रिलेटेड। ठीक है, दो कैटेगरी मैंने बनाए हैं, ब्लॉगिंग और एक हेल्थ। हेल्थ की कैटेगरी में काफ़ी अच्छी आपको पोस्ट दिखाई देगी, जैसे कि इस डिप्रेशन, इस मेंटल इलनेस, काफ़ी अच्छे अच्छे पोस्ट मैंने डाला हुआ है इसमें। ब्लड प्रेशर, गुड फ्रेंड्स, ब्लड प्रेशर का कितना रेंज सही होता है, ये सब कुछ मैंने डाला हुआ है लिस्ट वाइज। काफ़ी अच्छे ढंग से मैं पोस्ट लिखते रहता हूँ, और ऐसा नहीं कि मुझे इससे अर्निंग नहीं होती, काफ़ी अच्छी अर्निंग होती है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो एक बार फिर से आपको स्कैन करके बता देता हूँ। वैसे मैं गूगल एडसेंस से भी अर्निंग करता हूँ, पॉपुलर एड से भी अर्निंग करता हूँ। डेली बेसिस पे पॉपुलर एड का भी मैंने एक वीडियो डाला हुआ है कि पॉपुलर एड से मैं कितना अर्न करता हूँ डेली बेसिस पे। ये एक वेबसाइट से मैं अर्निंग करते रहता हूँ, काफ़ी अच्छी अर्निंग मिलती है इससे। ज़रूर एक वीडियो मैंने बनाया है पॉपुलर एड की, कैसे मैंने कल ही मैंने डाला है कि यदि आपका गूगल एडसेंस डिसेबल हो गया है तो पॉपुलर एड से आप कैसे अर्निंग करोगे। मैं काफ़ी अच्छी अर्निंग करता हूँ, अभी तक तो लगभग 200-300 डॉलर मैंने इससे ले लिया, और इसमें वीकली पेमेंट का ऑप्शन होता है, ये देख सकते हो। जस्ट 11-26 तारीख को ही मेरे पेमेंट आया था। ठीक है, और कोई डाउट हो आपको तो आप पूछ सकते हो, कमेंट के जरिए पूछिएगा। ठीक है, यदि आप ब्लॉगर हैं तो ये 5 वर्डप्रेस की प्लगइन इंस्टॉल करना आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, और कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपकी क्वेरी का आंसर दूंगा। और एक बार फिर से बोल देता हूँ कि चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।